स्वामी विवेकानंद की सर्वाधिक प्रिय और विश्वासी युवा शक्ति का आह्वान। युवा विशेषांक के संबंध में कुछ बातें। गत वर्ष मई 2022 में वैश्विक आध्यात्मिक संस्थान रामकृष्ण मिशन की 125वीं वर्षगांठ रामकृष्ण मिशन के केंद्रों द्वारा सोलास मनाई गई। इस उपलक्ष्य में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए। गत वर्ष 15 अगस्त 2022 तक भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया गया। रामकृष्ण मिशन के सभी केंद्रों ने इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम, व्याख्यान, प्रतियोगिताएं आदि आयोजित किए। भारतीय स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर, वैचारिक क्रांति के पुरोधा, स्वतंत्रता के नायक स्वामी विवेकानंद के योगदान पर सर्वत्र चर्चा हुई। भारतवासियों को स्वतंत्र करने, सुख शांति समृद्धि संपन्न करने के लिए भारतवासियों में शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना हेतु स्वामी जी के द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन, जो 125 वर्षों से अपने युग नायक युगाचार्य स्वामी जी के आदर्शों पर संचालित हो रहा है, वह उनके स्वप्नों के नवीन राष्ट्र निर्माण को साकार करने में प्रयासरत है। लेकिन स्वामी जी का सबसे प्रिय विश्वसनीय युवा वर्ग अपने उद्देश्यों लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट और जागरूक प्रतीत नहीं होता। यदि ऐसा नहीं होता तो आज 100 वर्षों बाद भी देश में बहुत सी विसंगतियां दृष्टिगोचर नहीं होती। सभी युवक नहीं, किंतु कुछ युवा वर्ग दिग्भ्रमित हो रहा है। भारतीय युवाओं ने विश्व में विभिन्न विधाओं में अपनी योग्यता और कर्मठता के बल पर भारत के गौरव ध्वज को ऊंचा लहराया है, लेकिन अभी भी अधिकांश युवक अपने लक्ष्य, कर्तव्य, अधिकार और जीवन में प्राथमिकता को लेकर भ्रमित हैं। वे आज के डिजिटल इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के युग में जीवन के मुख्य लक्ष्य से पृथक वस्तुओं को देखने, सुनने और शेयर प्रसार करने में लगे रहते हैं। किसी तरह डिग्री प्राप्त कर लेने से उस विषय में दक्षता नहीं आती। वे जीविका प्राप्ति की प्रतियोगिता में पीछे हो जाते हैं और उसके बाद परिवार और सरकार को कोसने में लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त मानवीय सद्गुण, परोपकार, सेवा, करुणा, सद्भावना, नैतिकता, आध्यात्मिक शक्ति और आनंद से मीलों दूर रहकर हताश हो जाते हैं। आज का डिजिटल युग युवा वर्ग के सर्वांगीण चरित्र निर्माण में चुनौती बनकर खड़ा है। एक ओर यह जीविका और शिक्षा में सहयोगी बनकर जीवन का अपरिहार्य अंग बन गया है, तो दूसरी ओर उसने युवकों को मानवीय प्रेम, सौहार्द, भ्रातृत्व, पारिवारिक स्नेह प्रेम और राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों के प्रति प्रमादी, आलसी और कर्तव्यहीन बना दिया है। प्रमाद और कर्तव्यहीनता इतनी कि एक संस्था का कर्मचारी अपने वृद्ध स्वामी को दवा देते समय एक हाथ से दवा देता है तो दूसरे हाथ से मोबाइल पर वीडियो देख रहा होता है। मुंह में एक हाथ से चम्मच से खाना खिला रहा है तो दूसरे हाथ में व्हाट्सएप देखता रहता है। एक हाथ से झाड़ू लगा रहा है तो दूसरे हाथ से मोबाइल पर वीडियो देखता रहता है। इस प्रकार की चंचल अर्ध विक्षिप्त मानसिकता में किसी भी कार्य की गुणवत्ता और सुसंपन्नता की कभी आशा नहीं की जा सकती। यह प्रमाद और कर्तव्यहीनता की पराकाष्ठा है जिसका वह बोध नहीं कर रहा है, और यह प्रमाद उसके जीवन को एक दिन घोर निराशा के गर्त में डुबो देगा। यहां तक कि कुछ युवा हताश और विषादग्रस्त हो अपराधी बनकर दूसरों के लिए दुख का कारण बन रहे हैं और अंत में जेल की श्रृंखलाओं में कष्ट भोग रहे हैं तथा कुछ आत्महत्या भी कर लेते हैं। राष्ट्र की सर्वाधिक मूल्यवान शक्ति युवा वर्ग की ऐसी दुर्दशा सभी राष्ट्र हितैषी चिंतक और मानवीय संवेदना युक्त व्यक्ति को व्यथित करती रहती है। अतः स्वामी विवेकानंद के सर्वाधिक प्रिय युवकों को उनके लक्ष्य, कर्तव्य, उनकी शक्ति का बोध कराने, उनके चरित्र निर्माण में सहायक उपकरणों से उन्हें अवगत कराकर मार्गदर्शन करने हेतु इस युवा विशेषांक का प्रकाशन किया गया है।
दिल्ली में दक्षिण एशिया युवा शिविर में राष्ट्रीय युवा योजना के संस्थापक डॉक्टर एस एन सुब्बा राव भाई जी ने कहा था, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत से प्रेरणा प्राप्त कर बहुत से देश स्वतंत्र हुए, अब विश्व की दृष्टि भारत की ओर है कि भारत सुख समृद्धि और शांति सद्भाव का भी मार्गदर्शन देगा। सचमुच आज विश्व भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है, भारत की युवा पीढ़ी की ओर आशा की दृष्टि से देख रहा है। इसलिए भारतीय युवकों का जीवन चरित्र केवल स्वदेश हित के लिए ही नहीं अपितु विश्व हित के लिए भी उन पर यह महान दायित्व है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्व्याः सर्वमानवः। इस देशवासियों का परम कर्तव्य है कि वे अपने अपने चरित्र से पृथ्वी के समस्त मानव को शिक्षा प्रदान करें। इसलिए युवकों का चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। इस अंक में चरित्र निर्माण के विभिन्न पक्षों पर अनुभवी सन्यासियों और विद्वानों के लिए लेख दिए गए हैं, जिससे युवा चरित्र निर्माण के विविध पक्षों को जानकर अपने जीवन में उसका यथा समय यथा शक्ति उपयोग कर सके और स्वामी जी द्वारा अपेक्षित चरित्र का निर्माण कर सके। भारतीय युवाओं को मिली है गौरवशाली विरासत। भारत प्राचीन काल से संपूर्ण विश्व को आध्यात्मिक शांति और आनंद का उन्मुक्त हस्त हो वितरण करता रहा है। इसकी मिट्टी में सभी क्षेत्रों में उच्चतम शिखर पर पहुंचे हुए महान पुरुषों ने जन्म लिया है। यह अवतारों ऋषियों आचार्यों की भूमि है। प्राचीन काल में श्वेत केतु नचिकेता आरुणि याज्ञवल्क्य कपिल कणाद धन्वंतरी गार्गी मैत्रेय आदि ऋषि ऋषिकाएं शंकराचार्य महाराणा प्रताप शिवाजी विवेकानंद अरविंद सुभाष गांधी आजाद भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई सावरकर सरदार पटेल लाल बहादुर शास्त्री राजेंद्र प्रसाद जयप्रकाश नारायण अब्दुल कलाम आदि जैसे महान विभूतियों प्रजा सेवकों क्रांतिकारियों समाज सेवकों और राजनेताओं की उर्वरा पावन जन्मभूमि रही है। अतः युवक इस गौरवशाली विरासत से गौरवान्वित होकर अपने उच्चतम लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। आधुनिक भारत की ओजस्वी युवा शक्ति आज कर्मठता विश्वसनीयता दक्षता और कार्यकुशलता के कारण विश्व में सर्वत्र भारतीय युवाओं की मांग है। विश्व के विभिन्न भागों में ये अपने कार्यों और व्यवहार के द्वारा भारत के गौरव को संवर्धित कर रहे हैं। आज भारतवासी भौगोलिक वैचारिक शारीरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से सच्ची स्वतंत्रता का बोध कर रहे हैं। इन सब के संरक्षण में हमारी युवा शक्ति की महती भूमिका है। नए नए आविष्कारों और अनुसंधानों में युवा अग्रणी हो रहे हैं, नए ढांचे से सोच रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति से चिंतन कर रहे हैं, जिसकी सूचनाएं भी अखबारों दूरदर्शन और सोशल मीडिया से मिलती रहती हैं। किंतु प्रतिदिन अखबारों और मीडिया द्वारा ज्ञात होता है कि हिंसा कदाचार भ्रष्टाचार लूट हत्या धोखाधड़ी नशा निराशा हताशा और आत्महत्या में युवकों की संलग्नता मिल रही है। युवकों की प्रतिभा और शक्ति का ऐसा दुरुपयोग सभी सच्चे राष्ट्रभक्त और प्रबुद्ध नागरिक के हृदय को व्यथित करता रहता है। अतः युवा वर्ग को अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और सोशल मीडिया आदि पर उपलब्ध लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सामग्रियों का ही चयन करना चाहिए, जिससे उनका समय ऊर्जा और शक्ति का संरक्षण होकर पूरी शक्ति लक्ष्य पर ही केंद्रित हो सके। रामकृष्ण मिशन युवा प्रकल्प। भारत में कई छोटी बड़ी संस्थाएं हैं जो युवाओं के व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण हेतु प्रयासरत हैं। रामकृष्ण मिशन प्रारंभ से ही इस प्रकल्प में संलग्न है। कुछ वर्ष पहले रामकृष्ण मिशन के मुख्य कार्यालय में स्वतंत्र यूथ सेल का निर्माण किया गया, जिसमें मिशन के सभी केंद्रों में युवाओं हेतु विशेष कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार रामकृष्ण मिशन युवा शिविर में प्रार्थना
भजन, ध्यान, स्वाध्याय, सचिंतन, बौद्धिक चर्चा, कैरियर काउंसलिंग आदि सत परामर्श के द्वारा युवकों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयासरत है। भारत सरकार की योजनाएं। भारत सरकार ने स्वामी जी के नाम पर कई युवा योजनाएं प्रारंभ की हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश, स्वामी विवेकानंद असम युवा अधिकारिता योजना असम, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक आदि। इसके अतिरिक्त भी युवा योजनाएं हैं जिनके माध्यम से युवा लाभान्वित हो रहे हैं। अतः युवक अपनी शक्ति को पहचानें, भव्य चरित्र निर्माण करें और अपनी शक्ति का आत्मविकास और राष्ट्र के विकास में सदुपयोग कर इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित करें। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।